दोबारा से बताता हूँ कि पहले मैंने किया जनाब 6 7 42, 5 बच गया, 5 चला गया कैरी, फिर 6 9 हो जाएगा 54, तो मैं उसको लिखूंगा रिमाइंडर 2/6। अब 2/6 हमें पता है बेसिकली 1/3 है, और 1/3 होता है 0.33। क्या ये बात समझ आ गई सबको? उमर पूछ रहे हैं इज देयर एनी अदर मेथड। अदर मेथड ये है कि अगर आपको डिवाइड बाय 6 करना है तो पहले आप हाफ कर लें और फिर डिवाइड बाय 3 कर लें। बस इसका हाफ कर लेते हैं, 400 का हाफ करेंगे 200, 70 का हाफ करेंगे 35, और 6 का हाफ करेंगे 3, तो 238 हो गया। और डिवाइड बाय 3 करना है तो जनाब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 2 गया कैरी, और 3 हो जाएगा 9 27, और 1/3 आ जाएगा जो कि लिखा जाएगा 79.33। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है जनाब? तो 6 से डिवाइड करने के लिए हम नंबर का हाफ ले लें और 3 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। किसी को मसला बैठा यहाँ तक? ओके देखो बेटा, 7 से डिवाइड करने का ना कोई तरीका नहीं है। अच्छा जी, अगर मेरे पास 1/7 है तो 1/7 था 0.14, अगर 2/7 है हो जाएगा 0.28, अगर 3/7 है, 14 का टेबल पढ़ लें भाई, 0.42, अगर 4/7 है तो कितना हो जाएगा 0.56, 14 का टेबल पढ़ रहा हूँ बेटा, 5/7 कितना हो जाएगा 0.7, और 6/7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तकरीबन आपका अल्लाह वाला करे 0.84, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं ये। तो सर वी विल डिवाइड नॉर्मली लाइक वी डू, करना चाहे कर लें। मैंने ये आपको बता दिया कि पॉइंट्स के बाद किस तरीके से डील करेंगे। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इसी नंबर के। चलो 476 को तो हमें डिवाइड करना है 7 से, तो अब तुम क्या करोगे, 7 का टेबल पढ़ोगे तो 7 6 होता है 42, 5 चले जाएगा कैरी, 7 8 होता है 56। बात ही ख़त्म हो गई ना, ये तो बहुत प्यारा सा नंबर था। अब तो नंबर ले लो 486 और तुम्हें डिवाइड करना है 7 से, तो तुम क्या करोगे, 7 6 42, 6 जाएगा कैरी, 7 9 होता है 63, तो 3/7 बच जाएगा। अब तुम्हें याद था कि 1/7 जो है ना वो 0.14 था, तो 3/7 कैसे आएगा, 14 × 3, तो ये हो जाएगा 69.42। क्या ये बात समझ आ गई है? बेसिकली इसको याद करने का मेथड देखो कि ये तुमने कैसे याद करना है। समझ आ रही बात?
क्या ही बात कह रहे। तो डिविजिबल बाय 7 के लिए हम बेसिकली 14 का टेबल याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जनाब, हम करते हैं 8.19 डिवाइड बाय 7 करना, तो ऑब्वियसली हम पॉइंट को तो हम किसी खाते में नहीं लाते ना, ऊपर से आते ना हम। तो इसको क्या करेंगे हम, 7 1 7 करेंगे, फिर 1 जाएगा कैरी, फिर हम करेंगे 7 1 7, और फिर उसके बाद हमारा जो कैरी जाएगा वो जाएगा 4, और जो जाएगा 7 7 49, तो ये तो पूरा नंबर डिवाइड हो गया। लेकिन हमें पॉइंट लगाना है, 2 के बाद लगा हुआ था तो हम भी 2 के बाद लगा देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 1.17। क्या ये बात समझ आ गई, क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है? अच्छा जी, 0.265 डिवाइड करना है 7 से सर, बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, प्लीज रिपीट। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, इफ यू कुड प्लीज रिपीट। देखो बेटा, 8.19 को डिवाइड करना है 7 से, तो मैंने पढ़ा 7 1 7, 1 चला गया कैरी, तो ये बच गया 11, ये हो गया 7 1 7, 4 बच गया कैरी, तो ये हो गया 49, और 7 7 होता है 49। अब क्योंकि पॉइंट जो है वो 2 के बाद लगा हुआ था, तो मैंने भी यहाँ पॉइंट 2 के बाद लगा दिया, या इसको इस तरह कह लो कि पहले मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया था और अब आखिर में मैं 100 से डिवाइड करूंगा। क्या ही बात समझ आ गई। ओके, सो अब हमें 7 से डिवाइड करना है, तो हम टेबल पढ़ेंगे 7 का जनाब, 7 3 होता है 21, और 5 जाएगा कैरी, ये बन जाएगा 55, और 7 9 सॉरी 7 7 होता है 49 ना, और कैरी बच जाएगा आपके पास 6, तो 6/7 कितना था जनाब, 0.84। तो क्योंकि मैंने पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.03784। सबसे पहले मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। क्या ये बात समझ आ गई? मोहम्मद उस्मान, तुम्हारा नंबर डिफरेंट क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन एरर हो गई थी, अच्छा, तब से अच्छा मुझसे हो गई थी सर। मैंने 267 लिख दिया था। ठीक है, रिपीट प्लीज कह रही हैं कुरुतलैन। अच्छा देखो बेटा, कुरुतलैन ये 0.265 था, पॉइंट को हम किसी खाते में नहीं लाते ना, हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई 7 3 होता है 21, और 5 बच जाएगा कैरी, तो ये बन जाएगा 55, और उसके बाद 7 7 होता है 49, तो 6 बच जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिख देंगे 6/7। अब 6/7 हमें पता है क्या होता है, 0.84,
हो जाएगा 37.84। तो शुरू में हमने 1000 से ना डिवाइड किया था, सॉरी मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ गई? एक और बात का ध्यान रखें कि ये सारे आंसर ना इक्वल नहीं है, ये सारे के सारे आंसर अप्रोक्सीमेट है। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा, मतलब ये जो आंसर आ रहा है मेरा 37.84, इन एक्चुअल देखोगे ना तो ये 37.85 आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? हाँ भाई, 8 से डिवाइड करने पे आ जाए। यस, 1 मिनट कॉपी। आगे बढ़ जाऊं? तो जनाब अब मैं डिवीजन देखता हूं 8 से। तो फॉर सपोज जनाब 926 इसको डिवाइड करना है 8 से, तो जनाब 4 में हमने क्या किया था, हाफ का हाफ किया था। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर हाफ के हाफ का हाफ करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि वही 8 से डिवाइड करो, और एक और तरीका ये है कि आप हाफ करो, फिर आप हाफ करो, और फिर आप हाफ करो। तो जनाब पहले मैं 900 का हाफ करूँगा तो 450 आएगा, 20 का हाफ करूंगा 10 आएगा, और 6 का हाफ करूंगा 3 आएगा। मैं दोबारा हाफ करता हूं तो 450 का हाफ आएगा 225, 10 का हाफ आएगा 5, और 3 का हाफ आएगा 1.5। अब 225 का हाफ करना है, 200 का हाफ कर लो, 120 का हाफ करो 10, 5 का हाफ करो 2.5, 5 का हाफ करो 2.5, 1 का हाफ करो 0.5, और
0.5 का हाफ करो 0.25, तो बेसिकली पहले 900 का हाफ किया 450, देन 20 का हाफ किया 10, देन 6 का हाफ किया 3, तो अभी ये डिवाइड हुआ है 2 से, फिर दोबारा हाफ किया तो 225, इसको हाफ किया 5 और इसको हाफ किया 1.5। अब 225 को हाफ करना था तो ये रहा कि भाई 225 था ना, तो 225 को मैंने हाफ किया तो बेसिकली पहले मैंने 200 को हाफ किया तो 100 हो, फिर 25 को हाफ करने के लिए मैंने 20 का हाफ किया 10 और 5 का हाफ किया 2.5, फिर जो अगला 5 लिखा है उसका भी हाफ कर दिया 2.5, और ये 1.5 था मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया। तो अब आपकी मर्जी है, आप इतना ब्रेक करके लिखो या थोड़ा डायरेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 225 को आपने ब्रेक किया तो आपने 200 को अलग ब्रेक कर लिया और 25 को अलग ब्रेक कर लिया, 5 को आपने ब्रेक कर लिया 2.5 और 1.5 को आपने ब्रेक कर लिया 0.75। अब आपको प्लस करना है। सर ये मेरा जो है ये 115.5 आ रहा है। नहीं 0.5 नहीं आएगा ना, 7 आएगा ना, 112, सॉरी 112 नहीं 115.75। तो अब इस तरीके से हम 8 से डिवाइड करेंगे, या फिर अगर आपको ये मेथड लंबा लग रहा है तो आप 8 से नॉर्मली डिवाइड कर लें। तो 8 से आप नॉर्मली डिवाइड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं कि अगर मुझे 926 को डिवाइड बाय 8 करना है तो पढ़ूंगा 8 का टेबल, 8 वन सा 8 हो गया, 4 चला गया, सॉरी 1 चला गया कैरी, 1 चला गया कैरी, फिर हो गया 8 वन सा 8 पर चला गया 4 कैरी, फिर हो जाएगा जनाब 8 5 सा 40 और 6 बच गया तो हम लिखेंगे 6/8। अब 6/8 बेसिकली 3/4 है, तो इसको हम कैंसिल करके 3/4 भी लिख सकते हैं और 3/4 का मतलब है कि हो जाएगा 0.75। तो अब आपकी मर्जी है, बार बार वही बात कहूँगा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जिस मेथड पे आपका हाथ साफ है आप उस पर करें। अगर आप हाफ का हाफ करने में आसानी है तो आप हाफ का हाफ करें, और अगर आपको डिवाइड बाय 8 करने में आसानी तो डिवाइड बाय 8 कर लें। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट? सर आसानी से हट के कोई ऐसा फार्मूला सब में ही कॉमन हो सिवाय डिवाइड के, तो सर वो ज्यादा आसान रहेगा। यार ऐसी कोई चीज मिले तो मुझे भी बताना मुनीब। चलिए सर बता दूंगा। यार जब नंबर्स कॉमन नहीं है तो मेथड कैसे कॉमन हो सकता है? देखो कॉमन कौन थे, 2, 4, 8, तुम्हें 2 से डिवाइड करना था हाफ कर लिया, तुम्हें 4 से डिवाइड करना था हाफ का हाफ कर लिया, तुम्हें 8 से डिवाइड करना था तुमने हाफ का हाफ कर लिया, ये सेम मेथड से। लेकिन अगर तुम्हें 3 से डिवाइड करना था वो अलग मेथड है। अब तुम्हें 6 से डिवाइड करना था तुमने देखा भाई तुम पहले हाफ कर लो फिर 3 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर 2 और 3 की कॉमन चीजें आ गई। 7 बिल्कुल ही अलग था, तो ये नंबर्स अलग हैं तो उनके मेथड कैसे ये कर सकते हैं? तो मैं 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों के साथ क्यों ले रहा हूँ भाई, 1 घंटे की या 1.25 घंटे की, इसीलिए तो ले रहा हूँ कि मैं आपको हर चीज बता सकूँ कि किस तरीके से हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? बेटा क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। ओके
एक आध नंबर और देख लेते हैं भाई, 5.74 डिवाइड बाय 8 से। अच्छा भाई जरा सब बताएं कौन से वाले मेथड से कराऊं, नॉर्मल डिवाइड बाय 8 कराऊं या फिर हाफ का हाफ का हाफ करना है। नॉर्मल ओके देखो बेटा ये हो जाएगा 8 7 56 वन बच गया कैरी और 8 हो जाएगा 1 8 फिर 6 बच गया 6/8 तो जनाब ये हो जाएगा 71.75। लेकिन हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो अब हम 100 से डिवाइड करेंगे। क्या बात समझ आती सबको? अच्छा जी कुरुतलैन कहती हैं कि सर हाफ का हाफ का हाफ वाले मेथड से करा दें। चलें जी हाफ का हाफ का हाफ वाले मेथड से करा देते हैं। तो 5.74 डिवाइड बाय 8 का मतलब है पहले मैं करूँगा हाफ, तो पहला हाफ करूँगा मैं तो 500 का हाफ आएगा 250, 70 का हाफ आएगा 35 और 4 का हाफ आएगा 2 तो जनाब ये हो गया 287। उसके बाद मुझे दोबारा हाफ करना है तो 280 का हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा 140 और 7 का हाफ करूंगा तो 3.5। अब मैं दोबारा से हाफ करूंगा तो 140 का हाफ करूंगा तो 70, 3 का हाफ करूंगा तो 1.5, 0.5 का हाफ करूंगा तो 0.25। तो ये हो गया 71 प्लस 0.75 हो जाएगा 71.75। तो शुरू में 100 से मल्टीप्लाई किया था तो अब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सर गॉट इट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है समझ में आ रहा है जो भी पढ़ा रहा हूँ भाई, कोई मसले मसाइल तो नहीं आप लोगों को? अब देखें नॉर्मली जो ना हम इन चीज़ों को हल्का ले रहे होते हैं, अरे कोई मसला ही नहीं है दादा नंबर हो तो आपका वही चीता है, आपने देख लिया अपना चीता अपन कि कितना आता है आपको अंदाजा हो गया ना आपको। अच्छा जी अब आ जाओ ज़रा 9 से ना, तो 9 के लिए ज़रा फ्रैक्शंस को देख लेते हैं। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। अब 1/9 क्या है? 0.11 राइट, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का टेबल पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा 0.22, ये हो जाएगा 0.33, ये हो जाएगा 0.44, हो जाएगा 0.55, हो जाएगा 0.66, हो जाएगा 0.77 और हो जाएगा 0.88। क्या बात समझ आ गई? तो अगर मुझे किसी नंबर को 9 से डिवाइड करना है, लेट्स से 787 को डिवाइड करना है मुझे 9 से, तो मैं 9 का टेबल पढ़ूंगा। अभी 9 8 जा होता है 72, 6 जाए कैरी और 9 7 जा होता है 63, 4 बच गया तो 4/9 ये हो जाएगा 87.44। बात समझ आ गई? तो अब अगर मुझे डिवाइड करना है जनाब व्हाट सपोज 1063 को डिवाइड करना है 9 से,
हम 9 पे टेबल पढ़ेंगे, 9 वन जा 9, 1 गया कैरी, फिर 9 वन जा 9, 7 गया कैरी, फिर 9 8 जा 72, 1 बच गया, ये हो गया 118.11। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर ये होता फॉर सपोज 3.44 डिवाइड बाय 9, तो आप पढ़ोगे 9 का टेबल, देन आप 9 3 27, हाँ 9 3 27 होता है, तो 7 बच गया। फिर 9 8 जा होता है 72, तो फिर 2 बच जाएगा, तो इसको लिखोगे 38.22। तो क्योंकि पहले 100 से डिवाइड किया था, सॉरी मल्टीप्लाई, अब तुम 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 3822। सर ये बात हाफ भी कर सकते हैं ना, मतलब 3 से 3 टाइम्स, नहीं नहीं 3 से दो दफा, ठीक है उस तरह कर लो मर्जी, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, इससे जल्दी कर लो। अच्छा जी, फॉर सपोज हमारे पास नंबर है 0.67, डिवाइड करना है 9 से, चलो और मुश्किल कर लेते, 0.672 कर लेते हैं। ये मुझे डिवाइड करना है 9 से, तो जनाब पहले हम डिवाइड करेंगे 67 को ना, तो 9 7 जा होता है 63 और 4 बच जाएगा, उसके बाद 9 4 जा होता है 36, तो 6 बच जाएगा, तो जनाब ये हो जाएगा 74.66। और पहले हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.07466। क्या ये बात समझ आ गई? सर नंबर्स के अलावा और कौन से टॉपिक्स हैं? बेटा नंबर्स के अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी तो बेसिक बना रहा हूँ आपकी, जब आपको ये फ्रैक्शन से खेलना आता होगा ना, तो फिर आप ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारी चीज़ों से डील कर सकते हैं ना। अगर मैं भी अब सिर्फ नंबर सिखा रहा हूँ, अगर आपकी बेस ही नहीं बनी हुई कि अगर आपको अपॉन 9 करना नहीं आता, अपॉन 7 करना नहीं आता, तो आप कैसे करेंगे आगे जाके कैलकुलेशन, जब ज्योमेट्री करेंगे या फ्रैक्शंस के सवाल एक्चुअल सॉल्व करेंगे, रेशो प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे, जब तक आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप कैसे करेंगे? तो अभी तो ये एक टॉपिक है बेटा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इतना छोटा थोड़ी है वी कैट। अभी तुम आपकी फरवरी तक क्या कह रहे हैं बेटा? मैं कह रहा हूं सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फरवरी तक इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी हमारी, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह सर, मैक्सिमम जरूर हो जाएगा। कुछ चीजें आपके एंड पे छोड़ देंगे, बहुत से आसान सी चीजें। सही सर, वैसे उम्मीद अल्लाह से ही है कि हो जाएगा, अभी विंटर वेकेशन में भी रखेंगे ना एक्स्ट्रा क्लासेस इंशाल्लाह। कोई मसला यहाँ तक बात समझ आती? आज की क्लास क्लियर है सबको? आज की क्लास क्लियर है सबको? बुक्स मिल गई आप सबको? ठीक है यार, सीन ये कि उसमें जो चीजें हैं ना वो थोड़ी आसान दी हैं मैंने, और मुश्किल चीजें और दिया करूंगा मैं आप लोगों को, और आंसर की नहीं दिया इसमें मैंने, मैं आपको आंसर की अलग से दूंगा। सर आसान से क्या मतलब है कि इजी क्वेश्चंस हैं उसमें?
नहीं, डिवाइड किए हुए, कुछ सवाल इजी हैं, फिर थोड़े मुश्किल हैं, फिर थोड़े मुश्किल हैं, जो मुश्किल वाले हैं वो मैंने मिक्स करके दिए हुए। जो वर्कशीट्स हैं ना, एग्जांपल्स हैं, वो इजी दिए कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो प्रैक्टिस के बाद जो मिक्स क्वेश्चंस दिए ना वो मैंने मुश्किल दिए। सही सर, ठीक है सर, इंशाल्लाह। ताकि आप जो वर्कशीट्स हैं पहले उनको करेंगे, ऐसा आपको बुक मिल जाएगी तो नंबर्स की वर्कशीट्स नजर आएंगी आपको उसमें, तो नंबर्स की जो वर्कशीट वो आप पहले करेंगे क्योंकि आपको आसान होंगी। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे, पांच छह टॉपिक कर लिए, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मिक्स आपको नजर आएंगे क्वेश्चंस, जो मिक्स क्वेश्चंस नजर आएंगे फिर वो आप करने बैठेंगे तो आपका अंदाजा होगा कि हाँ यार किस तरीके से चीजें लेके चलनी है। ठीक है भाई, चल जी, अल्लाह हाफिज़।